नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में नागों को धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा गया है और विभिन्न तिथियों और त्योहारों में इनकी पूजा करने का भी विधान है। हर साल नाग पंचमी पर सांपों की पूजा की जाती है ताकि नाग देवता की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी अवसर पर सर्प दंश से रक्षा के लिए कुछ चीजों को खाने का भी चलन है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन मीठी, खट्टी और तीखी कड़वी चीजों को खाने से सर्प दंश के साथ ही काल सर्प दोष और राहु केतु से होने वाली कुंडली में दिक्कतें भी खत्म होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन आपको किन चीजों का सेवन करना शुभ फलदायी है। इस अवसर पर कुल देवी और देवता एवं नाग देवता को खीर का प्रसाद अर्पित करें। मान्यता है कि जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता को मीठा और खट्टा प्रसाद अर्पित करते हैं, नाग देवता उन पर प्रसन्न होते हैं और उस परिवार को सभी संकटों से बचाते हैं। नाग पंचमी के दिन दही या मट्ठे में चावल पकाकर खट्टा खीर, जिसे घोर चावल भी कहते हैं, उसे भी नाग देवता और देवी देवताओं को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप जरूर खाएं। नाग पंचमी के दिन नींबू का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करें। अगर आप नींबू का सेवन करेंगे तो आप सभी तरह के कष्टों से दूर रहेंगे। मान्यता काफी पुराने समय से चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन दांतों से नीम के पत्ते भी चबाने चाहिए। जिन घरों में नाग पंचमी के दिन मीठा, कड़वा, खट्टा और तीखा खाया जाता है, उन लोगों के घर पर सर्प देवता की कृपा बनी रहती है और वो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।